ये भी मेरे बच्चों की फोटो है। घर में रखने की जरूरत ही नहीं है। ये तुम्हारी वाइफ है इंशाल्लाह। जा रहा हूँ, बाय बाय मेरे बिस्तर। आप में से बहुत लोगों ने मुझे पूछा था कि आपने ये जो सोफा है कहाँ से लिया और किससे लिया, कितने का है। ये जो सोफा है ये मैंने लिया था महाराष्ट्र फर्निशिंग से, जो कि मुझे सकले ने रिकमेंड किया था। ऑनलाइन लेने से अच्छा है कि तू यहाँ से ले, बनवा के हम लोग ने भी लिया है, तू भी ले ले। अब ये शॉप जो है वसई में है। अब यहाँ पे सिर्फ फर्नीचर नहीं, यहाँ पे कर्टन, मोटराइज कर्टन और पता नहीं क्या क्या। लास्ट टाइम जब हम लोग गए थे तब हम लोगों ने देखा था। सोफा तो बहुत दिनों पहले आ गया लेकिन कर्टन अभी भी वही है जो कि मुझे जाकर कलेक्ट करने हैं। तो मैं बहुत दिन से सोच रहा था आज जाऊंगा कल जाऊंगा आज जाऊंगा कल जाऊंगा, तो मैं फिराक में था कि भाई कुछ काम अपना निकले वसई में तो अपन जाए और लेकर आए। आज लकीली दो चीज़ हो गई, मेरा वहां पर एक काम है, दूसरा सकलेन भी वहीं है, वो अपने काम से गया। तो मैंने बोला चलो जाता हूँ वहाँ पर, अपना काम भी निपटा लेता हूँ, सकलेन से भी मिल लूंगा और कर्टन भी कलेक्ट करके आ जाऊंगा। और आपके जो डाउट्स है कितने का लिया, कितने तक के प्राइस के आते हैं, कितने से स्टार्ट होता है और क्या क्या मिलता है, ये सब मैं उधर जाके बता दूंगा। सरप्राइजिंगली जो भाई की ये दुकान है उनका नाम भी वसीम है। अभी सकलेन का काम तो एक घंटे में खत्म हो जाएगा और एक घंटे में मुझे वसई पहुंचना है, तो मैं यहाँ से निकलता हूँ। पहले मैं बाइक से जाने वाला था, बाद में फिर मैं बोला यार आने के टाइम पे लेट हुआ तो फाउंटेन के पास गंदा फंस जाएंगे क्योंकि बहुत बेकार ट्रैफिक होता है और लंबा लंबा किलोमीटर तक ऐसा ट्रैफिक होता है। फिर उसके बाद चेक नगा, फिर घर पे आने के लिए हाईवे पे, समझ रहा हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि छोड़ो ट्रेन से जाते, ट्रेन से बेटर रहेगा। फिर हाथ में कर्टन भी रहेंगे, वो कैसे रखूंगा वो भी सोच रहा हूँ। अभी यहाँ से मैं निकलता हूँ मलाड के लिए, मलाड जाऊंगा, ट्रेन चेंज करके अपन सीधा वसई जाएंगे। बाय बाय रेन तिरेन। अभी मैं स्टेशन पहुंच चुका हूं और अभी मैंने अपनी स्कूटर स्टेशन पर पार्क कर दिया और यहां से मैं ट्रेन पकड़ के जा रहा हूं। देखते हैं अभी मुझे ट्रेन मिलना चाहिए क्योंकि अगर डायरेक्ट विरार की मिलती तो बहुत अच्छी बात रहेगी, नहीं मिली तो फिर चेंज करके आना पड़ेगा पूरी चीज़। वैसे ही रेटा ये ट्रेन से बोरीवली तक जाएगी, इसके बाद में मुझे वहां से फिर से चेंज करना पड़ेगा, विरार वाली पकड़नी पड़ेगी। ये ट्रेन जो इतनी खाली थी ये इसलिए खाली थी क्योंकि ये प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे होती है, 8 पे नहीं। अभी मुझे ये वाली ट्रेन पकड़नी है जो कि यहाँ पे खड़ी है, बट मुझे चल के जाना है। दिख रहा है आपको स्टेशन, दिख भी रहा है कि नहीं पता नहीं, इतना दूर है। इसलिए मोस्टली है ना जब भी ये वाली प्लेटफॉर्म पे कोई भी ट्रेन आती है ना वो खाली ही रहती है, मलाड के बाद तो खाली ही जाती है एकदम से क्योंकि उसमें कोई चढ़ता ही नहीं है, बहुत चल के जाना पड़ता है। और वो ट्रेन निकल गई, अब दूसरी ट्रेन का वेट करना पड़ेगा। तो अभी जस्ट सकलेन को मैंने कॉल किया और सकलेन का अभी भी एक शूट बाकी है, तो भाई तो हॉस्पिटल का शूट करने गया, फोटो खींच। दो फ्लोर हो गए, एक फ्लोर बाकी है, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट जहाँ मुझे जाना है उसके रास्ते में उसका हॉस्पिटल पड़ता है। अब मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, या तो सकलेन को बोलूँ डायरेक्ट उधर आने के लिए या मैं रुक कर जाऊँ, देखते हैं। जैसा भी मुझे अगर मिलती है रिक्शा, वैसे तो शेयरिंग ही चलती है यहाँ पे। यहाँ से पापड़ी चर्च जाना है मुझे जो कि 6 किलोमीटर बस स्टेशन से। पापड़ी चर्च सलाम वालेकुम। सलाम भाई, वेलकम टू वसई। थैंक यू। सलाम वालेकुम, हो गया शूट आपका? यस। ये देखो ये भाई जाके चिप्स ली गए। वसीम भाई कहाँ है मेरा कटिन? अभी दिखा दो। चलिए दुकान इतनी है, वो आगे कांच है, ऐसा नहीं लगेगा आपको लंबा जाए जा रहा है जाए जा रहा है। वो धोखा है, इलेशन ही है। ओहो नाइस। जो ब्राउन टाइल के हिसाब से हाँ पूरा ब्राउन कर देंगे तो पूरा बेडरूम ब्राउन हो जाएगा, इसलिए थोड़ा व्हाइट के साथ। अच्छा किए। तो अभी तो हम लोग ने सिर्फ एक ही बनवाया है, हम लोग को पहले देखना था कैसा लगता है, इसके बाद में हम लोग और बनाएंगे। ऑब्वियसली कर्टन है, कर्टन तो लगते ही रहते हैं हर साल में, एक दो बार तो चेंज होना ही है इसको। तो अब आते हैं सोफे के ऊपर। तो बहुत लोगों ने कमेंट करे कि सोफे कितने में लिया आपने, कहाँ से लिया। तो मैंने सोफा जो लिया यहाँ इनके पास से ही लिया, महाराष्ट्र फर्निशिंग से। और कितने में लिया, मुझे जो पड़ा है 33 में पड़ा है ये वाला सोफा। इसमें सोफे में कम्बर्ड, अगर खाली एल शेप होगा तो कितना होगा? अगर सिर्फ एल शेप लेने जाएंगे विदाउट कम्बेड तो ये आपको अराउंड 30 तक पड़ेगा, तो 10% वैल्यू कम हो जाएगी जो कम्बेड में आ गई वो। और इसमें नहीं बोले तो भी दुनिया भर के डिजाइन है, तो हर एक सोफे का, हर एक सोफा कम्बेड का अलग प्राइस है,
तो वो बेटर है कि आप इनसे ही फोन कॉन्टेक्ट करके पूछ लो, कार्ड बता दूंगा यहाँ पे। पर दुकान में आने के बाद है ना भाई, यहाँ पे इतनी सारी चीजें हैं, मुझे ये पता चला कि यहाँ पे सिर्फ बेड का काम नहीं करते, सोफे का काम नहीं करते, इनका पर्दे का भी है, इनका मोटराइज पर्दे का भी है और क्या क्या नहीं है। तो वसीम भाई बताओ क्या है एग्जैक्टली आपका? और बस कस्टमाइज में कर्टन्स है, कस्टमाइज में वॉलपेपर है, कस्टमाइज में ब्लाइंड है। आप अगर इमेजिन करोगे कोई चीज की प्रिंट करनी है, वो कौन से सरफेस पे प्रिंट करें, मैं फैब्रिक पे कर सकता हूँ, वॉलपेपर पे कर सकता हूँ, ब्लाइंड पे कर सकता हूँ, कर्टन पे कर सकता हूँ, मैट्रेस कवर पे कर सकता हूँ। इवन आप सोफा का कोई डिजाइन ऑनलाइन भी लेके आ जाओगे तो सेम चीज आपको प्रिंट करके दे दूंगा। ओके, है सैंपल है आपके पास? मेरी पिक्चर है ये रहा लाइन, इसमें पहले इसको वुडन एडिशन बोलते हैं, रेगुलर डिजाइन है, रेगुलर कलर है इसके। इसमें मैं वुडन वेनिशन को, ये बहुत कम जगह बनता है ये, तो वुडन वेनिशन कस्टमाइज जैसे आपका नॉर्मल हो गया, ये आपका प्रिंट। ओहो, लास्ट टाइम हम लोग को नहीं दिखा दे ये चीज, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पता। फिर ये जेब्रा लाइंस है, ये भी घरों में लगता है। अच्छा, ये आधा ट्रांसपेरेंट जो रहता है वो, यस उसमें लगेगा ये। इसमें भी और डिजाइन है, हॉल में कोई बड़ी सी वॉल है आपके पास, उसमें भी लग सकता है ये। फिर ये कस्टमाइज ब्लाइंड हो गया, ये हमने फैब्रिक पे प्रिंट किया, तो पेंट है ना? नहीं पेंट नहीं है, प्रिंट किया। ओ सर, लुक ही वैसा सर लग ही रहा है वो, पूरा कैनवास प्रिंटिंग जैसा लुक आएगा। हाँ, ये भी किड्स रूम के लिए कोई एजुकेशनल आइटम हो गई। हाँ, वॉलपेपर भी आ गया, बड़े से वॉल पे ले सकते हैं बच्चों के रूम में। फिर ये आपके कमर्शियल ब्लाइंड हो गए ऑफिस में, पार्टीशन में। एक और चीज है, ये शायद आपको बहुत कम जगह देखने मिलेगी, तो होगा भी नहीं कहीं, इसे बोलते हैं हनीकॉम ब्लाइंड। इसमें ये सारी चीजें आपको रिमोट में मिलेगी, यानी कि आप मोटराइज चाहते हो तो मोटराइज भी मिलेगा आपको वही सब से। ये रोलर ब्लाइंड हो गया, ये उसके बाजू में फैब्रिक के ऊपर प्रिंट किया हुआ है ये वाला, ये रोमन ब्लाइंड हुआ। हाँ, ये फैब्रिक प्रिंट है, पीवीसी विनाइल पे प्रिंट है। ये मेरे दोनों बच्चों की फोटो है। अच्छा, मैं बोला था मॉडल इवन इधर भी है, ये भी मेरे बच्चों की फोटो है। घर में रखने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, वो भी रिमोट, अरे तुम्हारी वाइफ है, स्प्रिंग लोडेड है, मोटर है वो। ये तुम्हारी वाइफ है इंशाल्लाह। आपका व्हाइट आउट है जिसमें से 80% सनलाइट नहीं आता, आपका ब्लैकआउट हो जाएगा। इरेन तो दो दिन में रिमोट खा जाएगा, आधे में अटक जाए। बंद चलो, बंद चलो, चालू कर जरा, बंद कर। इवन कस्टमाइज में फ्रेम्स भी है। हाँ, ये आप कोई भी फोटो फ्रेम हो गया, फैमिली फोटो हो गया। अब इसे कस्टमाइज वॉलपेपर है, इसमें एम्बॉसिंग भी किया हुआ है। हाँ, यही सेम थीम हमने इसके फोटो फ्रेम पे भी लिए। अच्छा, यही सेम थीम हमने इसके ब्लाइंड्स में भी लिए। इवन कस्टमाइज ब्लाइंड्स में हमने, ये कॉन्सेप्ट वॉल है, इसमें बताने के लिए कि हमारे पास कितने प्रोडक्ट्स हैं। सारे प्रोडक्ट्स जो है, जैसे ब्लाइंड हो गया, ओके, फोटो फ्रेम हो गई, वॉलपेपर हो गया, उसी से मैचिंग आपको कर्टन्स आ गए। कर्टन्स इवन आप इसमें भी ले सकते हैं, जैसे आपने सेमी ट्रांसपेरेंट फैब्रिक लिया। अच्छा, आपको ऐसा चाहिए सेम मेन फैब्रिक हो गया, ये दो डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक पे ये प्रिंट आ गए। मैं सोच रहा हूँ एक फ्रेम ऐसी मेरी कुछ। अरे तेरा रूम ही इतना सा है, तू कहाँ डाले रहे? गिफ्ट कर दूंगा तेरे को। अच्छा, मेरे को लगाना, वैसे बेडरूम में लगाने की जरूरत है मेरे को? इतना सारा चीज तूने एक दुकान में दिखाई है कभी? मैं तो नहीं देखा भाई। तो वसीम भाई, कुछ कार्ड वार्ड है कि जिससे आपको कांटेक्ट कर सके कोई? हाँ भाई। अच्छा, ये दे रहे? ये हमारा भांजा है। ओके, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो और भाई को पूछ सकते हो अगर कोई भी क्वेरी रहेगी, जैसे कि मेरा जो फर्नीचर था उसका प्राइस क्या है, और भी अगर आपके पास ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन के लिए भी आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे एक चीज नोटिस किया रहेगा, फोकस क्यों नहीं कर रहा? नोटिस किया रहेगा, इनका नाम भी वी से आता है। इसके पीछे बड़ी स्टोरी है भाई। एक्चुअली वसीम अकरम ने W से लिखने की वजह से सबका माइंड चले गया। हाँ, लेकिन एक्चुअली बात ऐसी आ रही, जब उर्दू या अरबी से नाम, नाउन जब इंग्लिश में आते तो वी से आता है। अच्छा, हमारा तो नर्स की गलती की वजह से हुआ था वी, वरना W था। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ, लोग किसी के जब दुकान में जाते हैं तो उनको ठंडा पिलाया जाता है, उनको पानी पिलाया जाता है, हमको पान खिलाया जाता है। यूनिक है भाई, इधर कुछ ना कुछ यूनिक ही हो रहा है। हाँ, वसई में फेमस है घंटाघर पान मंदिर करके, हमारे दोस्त शुक्ला जी। हाँ, उनके इधर का पान है, पान बिना जब तक घंटा बजा भी देते नहीं। वो बोलते हैं ग्राहक भगवान होता है, भगवान को घंटा बजा के जो भी प्रसन्न किया जाए वही सबसे पान आना चाहिए। क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है ये बताओ, क्या लिखा है? देखने के बाद भी वही कर रहे हैं। वो फोटोग्राफी लिखा है, मैं वीडियोग्राफी कर रहा हूँ, देयर इज अ डिफरेंस। चलो हम भी निकलते हैं यहाँ से अभी, दूसरा जरा एक और काम है अपने को, वसे में जाना है। चले चलो, चलो चलो, बाय।
तो अभी यहाँ से निकल गए सर भाई, अपने को एक जरा काम से जाने के पहले स्टेशन के पास काम है मेरा काम है सब बता दूँ। हाँ चल फिर बता दो। तो थोड़ा सा काम निपटा दे फिर हम लोग ट्रेन पकड़ के यहाँ से निकल जाएंगे। अभी हम लोग मोंजिनीस में, हम लोग के पास 500 का नोट था जिसको हम लोग कराना था, इसके लिए हम लोग मोंजिनीस के अंदर घुसे खा गए। तो ऐसी भी लगी थी तो भाई ने बोला पेस्ट्री खाते, मजा आ गया खा के। थैंक यू, तू मेरे लिए तो कमा रहा है भाई खिलाने के। मेरे को एमएम में खाएगा ना बड़ा था। मुझे ये गली में काम है बेटा, चलते रहे अभी। ये गली में? यस। तेरी गली में? यस। गली गली में? यहाँ पे सारे रास्ते गॉड को जाते हैं। स्टेशन किधर जाते थे? तो अभी हमारा काम हो गया, दोनों काम निपट गए, अभी जा रहे हैं हम लोग घर। मेरे को लगी अचानक से भूख, क्या बोलते हैं एमएम? एमएम में खाएंगे यार अच्छा खासा कुछ। वो सब तो ठीक है, जगह किसने रिजर्व किया? ओह माय गॉड, सही है। कपल कपल सीट। अच्छा रुमाल का कवर है सब। अभी हम लोगों को मिली है अंधेरी पास, इसके बाद वाली जो है अंधेरी स्लो वो है एक घंटे बाद। सकलिन बोलता है रुक जाते ना एक ही पकड़ के जाएंगे सीधा मलाड उतरे। क्या सेंस है इस बात का? मुरीली में ट्रैफिक मिलेगा ना? क्या मिलेगा मुरीली में? ट्रैफिक मतलब टायर पंचर हो जाएगा ना गाड़ियों का, ये मेरे को पसंद नहीं आता। जब कुछ गलत हो जाता है ना ऐसे बोलने में तो उसको कुछ भी बोलता है इसके बाद, कुछ भी बोलेगा। सुन रहा है ना आज तक? चल रहा है ना तेरे कान? जिंदा है ना? कुछ भी बोलता है, चुपचाप चल वहाँ से चेंज कर लेंगे। चल अभी उतर गए, कितना लंबा चलना है? अभी हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो चर्च गेट या तो बंद। कौन सा लोगे आप? जो पहले आएंगे वो। तो हम लोग पहुंच गए मलाड, अभी यहाँ से जाना है हमको घर। हमको लगी है बहुत होगी भूख और सुसु, पर हम दोनों चीज को हम लोग त्याग रहे हैं और सीधा घर जाके करेंगे क्योंकि अभी हम लोग की हालत नहीं है। थक गए हम लोग, बहुत थक गए। चल भाई आओ वापिस आओ घर जाके 10 बजे तक। क्या कर रहे नीचे तू? अरे 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 नहीं मेरे पास नहीं, मैं ऊपर जा रहा हूँ। बाय बाय। तो कुछ इस तरह लग रहा है हमारा ये कर्टेन, अच्छा लग रहा है ना। अब ऐसे में हम लोग और कुछ डिज़ाइन देखेंगे, ये तो फिलहाल बहुत सिंपल सा हम लोगों ने चूज़ किया था। हम लोगों ने ज़्यादा तामझाम ही नहीं किया, मतलब क्योंकि हम लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि कैसा लगेगा इस पे पर्दा। पुराना पर्दा जब डाला तो तब समझ में आया कि भाई कौन सा शेड इस पे ज़्यादा बेटर लगेगा, और फिर इससे पहले हम लोगों ने ये वाला चूज़ कर लिया था। पर ये भी बहुत अच्छा लग रहा है ना, जा रहा है टाइल्स पे जा रहे हैं ना ये वाली। अभी मैं बस बाहर बैठा था कॉफ़ी पी रहा था और यूट्यूब पे मैं देख रहा था, तो मुझे मेरा पुराना वीडियो एक सामने आया क्यू एन ए वाला। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने 7 महीने से कोई क्यू एन ए नहीं किया, 7 महीने और मैंने डिसाइड किया गया था हर 6 या तो 3 महीने में एटलीस्ट एक क्यू एन ए तो ज़रूर रखूँगा, ताकि जितने भी क्वेश्चंस हो उसको एक ही साथ हम लोग निपटा दें, तो जमा करके एक साथ निपटा दें। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगला वीडियो जो रहे वो भी एक क्यू एन ए वीडियो रहे, क्या बोलते हैं, बैठ के ज़रा अच्छे से शूट करें। तो मैं क्या चाहता हूँ इस बार आप लोग नीचे कॉमेंट करके अपने क्वेश्चन लिखो, ताकि हम लोगों को ज़्यादा आसानी पड़े क्वेश्चन सेलेक्ट करने में। क्योंकि हर बार मैं क्या करता हूँ, या तो मैं इंस्टाग्राम पर डालता हूँ आसमी क्वेश्चन डालता हूँ, फिर उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं फिर वो मैं आंसर करता हूँ। तो उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि मेरी बहुत सारी यूट्यूब की जो ऑडियंस है वो इंस्टाग्राम पर फॉलो ही नहीं करती मुझे इसलिए मेरे फॉलोअर बढ़ने के बदले गिर रहे, तो ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया पढ़ना। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप नीचे कमेंट करके मुझे बताओ कि आपके क्या क्वेश्चन है, तो मैं उसको हम दोनों मिलके उसको आंसर कर सकें। मोस्टली क्यू एन एज में क्या होता है कि 9-10 क्वेश्चन लिए जाते हैं, मेरे क्यू एन ए में ऐसा होता है कि मेरा क्यू एन ए बहुत लंबा होता है, मोस्टली नहीं बोल के भी 18-20 क्वेश्चन तक चले जाते हैं। जितने हो सके मैं उतने क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करूंगा, तो आप नीचे मुझे प्लीज़ अपने क्वेश्चंस जरूर बताना। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब करके जाना, और महाराष्ट्र फर्निशिंग से जाके एक बार जरूर चेकआउट करना अगर आपको सोफा या कर्टेन रूलर बहुत सारे आइटम्स है। सो गुड बाय, टेक केयर, स्टे काम, स्टे पॉजिटिव, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड पीस आउट। बहुत जल्दी मैं होम टूर वीडियो भी लाऊंगा, शायद नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो मोस्टली, देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।